हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? बोलिए भाई, भैया बताइए। यार क्रेडिट कार्ड के लिए किसका रिंग एप्लीकेशन? अच्छा, क्रेडिट नहीं कार्ड क्रेडिट किसका, कौन क्रेडिट कार्ड का सा बैंक? बैंक तीन चार बैंक है भाई, HDFC, इंडियन बैंक, SBI और ऐसे। अच्छा, मतलब ये सबसे, मतलब कि आप लोन ले चुके हैं? नहीं लोन नहीं, जैसे कि मेरे क्रेडिट कार्ड का तो अमाउंट है 61,000 है, क्रेडिट कार्ड की एक का 48 है, एक का 62 है और एक का 32 है। रिपेमेंट नहीं हो रहा, मतलब उनका टाइम पर भर नहीं पाऊंगा मैं। तो मतलब कि ये जितना भी है सबका, मतलब कि बकाया है सबका। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल डाउन होगा, सबसे पहली बात, समझ गए हैं? वही है कि घर पर आता है सब, समझ गया ना, रिकवरी एजेंट ये सब का। घर पर आ जाते हैं। हाँ, रिकवरी एजेंट तो सारा चीज़ लोग घर ही पर आता है ना। बाकी और HDFC बोले, और कौन सा बैंक बोले? अच्छा HDFC, इंडियन, एक्सिस और स्टेट। अच्छा अच्छा HDFC, एक्सिस। HDFC में तो उतना हमको शक नहीं है भाई, लेकिन एक्सिस बैंक पर शक है, समझ गए, घर आने का। HDFC का तो मैं कर दूंगा, उसका तो पेमेंट कर दिया करूंगा मैं किसी भी तरह। बाकी जो ऐसे एक चीज है उसका अकाउंट तो है नहीं मेरे पास, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड है। इंडियन बैंक का अकाउंट है पर वो होम ब्रांच पे नहीं है, जहाँ मैं रहता हूँ कॉलेज की साइड उधर है। बाकी SBI और HDFC का दोनों को मैं कर दिया करूंगा पेमेंट किसी भी तरह से, बट जो ये इंडियन एक्सिस इसका इशू है। एक्सिस से कितना का है? एक्सिस से 60,000 रुपये का है, जिसमें से मैंने कुछ का तो EMI करा रखा है, 27,000 का EMI करा रखा है, बाकी है। मैं ऐसे कैसे कर रखा है मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल जो इंडियन बैंक का है ना, उसका सबसे बड़ा इशू है, उसके मेरे पास 60-61 हज़ार रुपये का पेमेंट है। अब वो जैसे कि अब जैसे मैंने भर दिया, बाकी मैं अब आगे ना भर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो उसका क्या करना भाई, कोई सॉल्यूशन वगैरह। बाकी इसका तो ये एक दो का तो मैं कर लिया करूंगा क्योंकि स्टेट बैंक की 32,000 कीमत है, वो वैसे ही इधर उधर से भरता करूंगा। ये ज्यादा एक इसका है, इंडियन बैंक का ज्यादा फंडा। इंडियन बैंक का नहीं आएगा, समझ गया ना? ना ना, इंडियन का उतना डर नहीं है। देखिए, इंडियन का उतना ये सब डर नहीं है, चाहे SBI का हो गया, HDFC का। एक्सिस वाला मतलब कि ये रहता है कि भाई घर और पे आ जाए, समझ गया ना? एक्सिस वाला वैसे मेरा अकाउंट तो है नहीं है, वो वैसे ही डायरेक्ट कर लेकिन रहा हूँ इतना मैं जल्दी इसका नहीं अकाउंट आता है तो। सब, समझ गया? इतना जल्दी नहीं आता है सब, जैसे कि नहीं रहता है कि भाई जल्दी मतलब कि घर पर विजिट कर देगा, इतना जल्दी आता नहीं। वही है कॉल मैसेज, सबसे ज़्यादा कॉल मैसेज करेगा, वही है कि धमकी उमकी सारी लोग देगा, नहीं पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही है कि पूरी तरीके से आपको डिफॉल्टर हो घोषित कर देगा, तो लोन आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये बता देते हैं। फिलहाल का तो ये है कि इंसेप्शन छूट जाए, सेटलमेंट वगैरह हो जाए, बाकी तो ये है कि बाद में तो जब देखेंगे, हाँ, जब तो समय सेटलमेंट तो आएगा कर तब ही बात लेगा होगी। सब, सब सेटलमेंट तो कर ही लेगा सब, क्रेडिट कार्ड का। कर लेते हैं सेटलमेंट, तो हाँ, सेटलमेंट कर लेगा सब। जैसे इंडियन बैंक का 60-61 हज़ार रुपये तो कितने में सेटलमेंट हो जाएगा मिनिमम? 60-61 हज़ार का है सेटलमेंट, तो यही है कि 60-70% पर मतलब कि करेगा सब, समझ गए हैं? 60 हज़ार का है ना, तो वही है कि 40-50। सबसे पहले तो वो, सबसे पहले तो वो कहेगा कि भाई जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना लेंगे, समझ गए हैं? हाँ, मतलब कि ड्यू जो सब माफ़ कर देगा, जो ड्यू लगाया है सब माफ़ कर देगा, बोलेगा कि ड्यू हट गया है, ड्यू के अलावा जो भी है वो सब लेगा, समझ गए? पहले तो वो लोग मतलब की बात करेगा, लेकिन आप पूरा ये करते हैं तो 60-70 पर मतलब कि आ सकता है सब, समझ गए? कितना टाइम मिल जाएगा वैसे, जैसे टाइम के भी तो थोड़ा है। अभी कितना महीने से ड्यू चल रहा है अभी तो ड्यू मेरा एक भी नहीं है, ना, तो अभी कैसे सेटलमेंट होगा भाई? अभी थोड़ा सेटल, आपका नेक्स्ट ईयर अब वेट करना होगा। ड्यू कब लगेगा एक्सिस इंडियन का?
इंटरव्यू नहीं लगेगा कम से कम महीने नहीं लगेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं तब तक, अब तक तो मैं कर रहा था बट आज इसके बाद नहीं है। मतलब आपको उस महीने से ड्यू लगेगा आपका। हाँ नेक्स्ट मंथ से लग जाएगा सर। अच्छा, तो आपको तो अब नेक्स्ट ईयर से मतलब कि होगा मार्च अप्रैल में, समझ गए हैं, मार्च अप्रैल में, क्योंकि उसी टाइम में सेटलमेंट होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल होता है ना। हाँ हाँ तब तक ऐसे ही भाई चलता रहेगा, समझ गए, कॉल धमकी यही सब चलता रहेगा, घर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या ना, तो इतना जल्दी कैसे घर पर नहीं आएगा ना, क्रेडिट कार्ड है, ऊपर से एक्सिस जल्दी नहीं आएगा, इंडियन पोस्ट बैंक नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए। ये पुलिस पुलिस केस तो नहीं करते भैया? ना ना, पुलिस पुलिस नहीं होता है भाई, ये सब कहाँ से होता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। कहाँ से भैया? हम बिहार से हैं भाई। भैया कांटेक्ट में रहना, जैसे भी रहेगा भाई को बताना यार, कुछ बिल्कुल पूछना अगर बिल्कुल, करा तो। कभी भी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, कभी भी मैसेज कीजिएगा, तो 100% आपको मैसेज किया जाएगा। भैया अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं क्या? कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा है भाई, दे देते हैं अभी, भेज देते हैं आप पर, रुक जाइए। भेज देना भाई, हेल्प कर देना भाई जरूर। अभी अभी तो मैं कर रहा था इनका कैसे न कैसे। मैं स्टूडेंट हूँ भाई, है कि मेरे पास कोई प्रोफेशन नहीं है, पैसा था वो लगाया था इसलिए उसका वो खराब हो गया भेज सर। दिए, देख लीजिए अपना। आ गया भाई, बिहार के मेरे साथ बच्चे भी पढ़ते हैं कॉलेज में, इधर चंपारण जिले से भी पढ़ते हैं। कहाँ से आप हैं? मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में हूँ मेवात से। ना तो नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, समझ गए। ऑन ऑन कॉल जैसे कॉलेज का एड्रेस कॉलेज पे तो नहीं आ जाएंगे? ना ना, कॉलेज पे कहाँ से आएगा भाई, घर पे ही जाने को, घर पे मत जाए बस, बाकी यहाँ तो आते रहे सभी। वैसे कुछ कहते हैं क्या ये लोग, टेस्ट वैसे कुछ कहते हैं? ना ना, कहेंगे क्या, वही है, लोन के लिए आएगा, लोन मांगेगा आपसे, बोलेगा कि दो भाई पैसा दो, यही है, समझ गए। अच्छा, हाँ पैसा के लिए वो डिमांड करेगा सब, अपना टाई वाई लगा कर आएगा, आई कार्ड लगा कर आएगा अपना एक्सिस की तरफ से। क्या करें भाई, पैसे कहाँ से लाएं? यही सो रहे, कोई जॉब वगैरह तो है नहीं, पढ़ रहे हैं क्या करें, घर वालों से भी नहीं ले सकते। जॉब देखनी पड़ेगी यार, जॉब मिल नहीं रही, बड़ा ट्राई भी किया था। आप क्या करते हैं भैया? हम तो अभी भी आप ही जैसा पढ़ाई करते हैं, जो भी है टाइम मिलता है वीडियो बनाते हैं, मेरा तो यही काम है। अच्छा, बहुत अच्छा भाई यार, हमें भी कोई बताओ प्लेटफॉर्म जिससे पैसा हो जाए महीने का 5-10 हज़ार रुपये, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ना हो। ऐसे तो देखिए, ऐसा तो अभी ऐसा तो कोई ये चीज़ नहीं है, समझ गया ना, बाकी ऐसा आप देखिएगा, 5-10 हज़ार मिल जाए भाई घर बैठे, तो भाई ये स्कैम कर देगा सब, समझ गया है, गैम्बलिंग वम्बलिंग यही सब कर देगा सब, समझ गया है। चलो भाई जरूर आपसे कांटेक्ट कराऊंगा, जैसे भी अभी तो फिलहाल तो चल रहा है इनका, ऐसे ही कर रहा हूँ अभी तो। हाँ कब ये लोन भाई लिए लोन थे, कॉल, क्रेडिट कार्ड से कब आप लोन लिए थे ये सब से? ये लोन नहीं लिया था भाई, जैसे कि पेमेंट उठाया ना, जैसे मान पेमेंट निकाल लिया, उसका लोन नहीं लिया बस, उसपे जैसा वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका है सारा, अभी चल अच्छा गया। अच्छा अच्छा वो सब अच्छा, इतना जल्दी दिक्कत नहीं होगा, समझ गए, जब तक होगा तब तक आप जब जब कॉल करेगा तब तक आप सेटलमेंट का बात कीजिएगा, समझ गया ना, बोलिएगा कि आर्थिक स्थिति खराब है भाई, हम नहीं चुका पाते हैं, सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, नहीं तो भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, काम खत्म। और जब पैसे नहीं है तो पैसे आदमी कैसे दे पाएगा, है कि नहीं, सेटलमेंट आप करा लीजिए, सेटलमेंट के लिए कॉल करेंगे जब आपसे। जब 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 आप कॉल करेगा वो लोग, तब तब आप सेटलमेंट का केवल बात उनसे करते रहेगा कि सेटलमेंट करा लो, सेटलमेंट अपना करा लो भाई, सेटलमेंट के लिए हम राजी अच्छा, हैं। हाँ सेटलमेंट भी सस्ते में है ना? अच्छा चलो भाई, आपसे कांटेक्ट में रहेंगे जरूर, लेकिन बताना देखिए मुझे ये क्या भी है, करना है। ये भी है कि सेटलमेंट भी कराइएगा तो सिविल सुधरता नहीं है भाई, समझ गए हैं और क्या ऑप्शन है ही नहीं भाई, और कुछ हाँ वो भी है, लेकिन ये है कि पूरी तरीके से लोन दे दीजिएगा ड्यूज के साथ, तभी सिविल से हटाएगा,
सेटलमेंट भी कराइएगा तब पर भी सिविल पर शो करते रहेगा कि भाई आपने लोन लिया था और इस तारीख को सेटलमेंट आपने करा लिया, सब सिविल पर दिखा देगा। लोन के लिए जाइएगा बैंक में तो देगा ही नहीं, कोई भी बैंक में जाइएगा आपको देगा नहीं, सिविल खराब हो जाएगा तो। लोन देना है, अब तो मिल नहीं रहा, तो बाद में करेंगे क्या, कमाएंगे तब तो कोई जरूरत ही नहीं है। कोई लोन उन कहाँ से, इतना लोन अगर 2-2 लाख का लोन मिल जाए और इसकी EMI हो जाए कि महीने की 3-1 हज़ार रुपये, तब तो मेरा सारा कुछ क्लियर हो सकता है भाई। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जैसे मिल जाए 2-2 लाख रुपये का लोन? ना ना भैया, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है कभी आपको 2-2.5 लाख का मिल जाए, क्योंकि सिविल तो पहले एक से तो क्लियर ही नहीं हुआ, 4 से। नहीं, क्लियर है, क्लियर है, अभी तक क्लियर है, अभी तक मेरे पास जीरो जीरो माइनस, मतलब कोई भी चार्जेज नहीं है अभी तक। नहीं तो सिविल पर चढ़ा होगा, सिविल पर सब वो सब देख लेगा कि चार चार क्रेडिट कार्ड से आप इतना इतना का उठाए हैं, समझ गए हैं बैंक वाला। हाँ ये तो है, हाँ सब देख लेगा, सब पहले ही बोलेगा ये क्लियर हो जाए तब ना मिलेगा, पास होगा एलिजिबल होगा तब को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है कि भाई आपको हर एक महीने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लेगा, 2-2.5 लाख का लीजिएगा तो ज़्यादा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा उसमें भी। ठीक है ठीक, ओके ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग क्रेडिट कार्ड से आपका लोन है यदि आप नहीं चुका पा रहे हैं तो जो भी आपने वीडियो देखा था आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यदि पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको जो भी जानकारी है सारा जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग कोई भी लोग हमसे बात विचार करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो लास्ट में जाते जाते यही मैं बोलूँगा वीडियो को ख़त्म करते कि आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं भाई कि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कर देते हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा तो और भी आपको ब्लैकमेल करेगा और भी आपको ज़्यादा हरासमेंट करेगा, इसीलिए कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है। आप कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन ले लिए हैं आपको बिल्कुल भी रिपेमेंट का यहाँ पर सोचना भी नहीं है भाई, आपको बता देना चाहता हूँ। यदि रिपेमेंट कर दीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट तो और देगा, सब आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा और भी आपको हरासमेंट करेगा। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन से आपका लोन है, डेटा आप लोग रिमूव कराना चाहते हैं, जो भी डेटा वो लोग हैक कर दिया है वो चीज़ रिमूव कराना चाहते हैं, तो हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का, और जो अभी आप पर कॉल मैसेज आ रही है कॉल मैसेज सारा चीज़ आना बंद हो जाएगा, डेटा रिमूव हो जाएगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ यहाँ पर आपको आएगी नहीं। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन लिए हैं आपको बिल्कुल भी रिपेमेंट नहीं करना है भाई। यदि आप लोग यहाँ तक रिपेमेंट कर दिए हैं, कर चुके हैं या करते आ रहे हैं तो अभी आप लोग स्टॉप हो जाइए, आपको रिपेमेंट नहीं कर, रिपेमेंट कीजिएगा तो भाई वही चीज़ झेलने के लिए मिलेगा जैसे अभी आप झेल रहे हैं भाई, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो तो आपके हाथ में है भाई कि भाई हम बचें या नहीं बचें। आप लोग खुद ही मतलब कि उस कुएँ में आप लोग घुस रहे हैं, जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, तो कैसे ख़त्म होगा। आप किसी को भी पैसा दीजिएगा तो भाई कहाँ मना करेगा, उसका तो काम ही है भाई, ब्लैकमेलर है भाई, उसका काम ही है ब्लैकमेल करना, आपको हरासमेंट करेगा वो तो, आपको ब्लैकमेल हरासमेंट मतलब कि करता जाएगा करते जाएगा, आपसे पैसा वो ठगते जाएगा ठगते जाएगा, तो इसीलिए बिल्कुल भी आपको रिपेमेंट नहीं करना, आपको बता देना चाहता हूँ। कोई भी हो भाई, कोई भी हो, आपको रिपेमेंट नहीं करना है, रिपेमेंट कर दीजिएगा तो हरासमेंट आपको मिलेगा, झेलने के लिए आपको हरासमेंट मिलेगा, आपको बता देना चाहता हूँ भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ये भी लंबा वीडियो हो गया, वीडियो को आप एंड करते हैं। रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, इजीली आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप बात विचार कर लीजिए। कोई से भी एप्लीकेशन में फंसे हैं कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, रिमूव होने के बाद आप पर कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत भाई।